नमस्ते मोदी जी एंड ममता दीदी, नमस्ते। ये नए साल की शुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से और मेरी कंपनी की तरफ से। मैं एक आम पीपल हूँ, एक कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ और मार्केटिंग डायरेक्टर होते के नाते कुछ ऐसा कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि बहुत ज़रूरी है। हम बाकी ब्रांड की ये जो कंपनी जो देख रहे हैं आप, इस कंपनी की मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, बस चल रहा है। इस कंपनी के थ्रू मान के चलिए 35 बंदे का परिवार चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए हम लोग उन बेचारा लोग जो सेल्स के परसेंट हैं, जो रोज़ दुकान में जाते हैं, माल बेचते हैं और कंपनी से उनको सैलरी मिलता है ऑन टाइम में, मैं और मेरा कंपनी की तरफ से जितना भी हो सके हम लोग कोशिश किए हैं उनको सैलरी रिलीज़ करने के लिए। लेकिन आज बात कुछ इस जगह में आके पहुंचा है कि हम सभी कोऑपरेट कर रहे हैं कि कोरोना के चलते हुए दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट टाइम फॉर अस। हम सभी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के साथ दे रहे हैं। ममता दीदी एंड मोदी जी, आपका आप सबका बात सर आँखों पे। हम लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो हमारे नज़दीक में जो है खाना पीना जो नहीं मिल रहा है उनको देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का इकोनॉमिकल सिचुएशन इज़ वेरी पुअर एज ऑल नोन। बट सर एक बात बताइए कि मेरा एक छोटा सा सवाल आप सबसे है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि आज कोरोना नेक्स्ट मंथ 3 तारीख तक दिए हैं, ठीक है, ये सही बात है, मैं एग्री करता हूँ, हम सब एग्री करते हैं, हम सब इंडियन एग्री करते हैं। ये जो भी आप लोग कर रहे हैं ये हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, आगे में जाके ये कोरोना वायरस से हम लोग फाइट करके जीत जाएं और अच्छे से अच्छा ही हो। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये कोरोना जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमारी कंपनी के माफिक ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, कोई अगरबत्ती बनाते हैं, कोई मूंगफली बनाते हैं, कोई नमकीन बनाते हैं जो घर में, आज उनके पास जो भी जमा पूंजी है वो तो ख़त्म हो जाएगा। सरकार से मिल रहा है लेकिन सब जगह में सही तरीके से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कोशिश जारी है सबका। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को बेहतर से बेहतर रखने के लिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम सभी कोशिश कर रहे हैं देशवासी, कि ये कोरोना इंडिया से एकदम पूरा डिलीट हो जाए। लेकिन जो ये छोटे मोटे धंधे वाले हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जिसके छोटा मोटा कंपनी है, इस तरह का जो 35 लेबर लोग हमारी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, उनका सैलरी देना आज के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आज इंडिया डिजिटल बन गया, सही बात है, लेकिन हम लोग जो मार्केट में जाते हैं, जो भी कुछ खरीदते हैं वो देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, अगर 2-3 महीना अगर हो गया तो जो कस्टमर हैं हमारे माफिक, मोदी सर आपके माफिक, ममता दीदी आपके माफिक, या आम पीपल देख के लेते हैं भैया थोड़ा सा करंट डेट का प्रोडक्ट दीजिए, बच्चे के लिए है, चाहे कुछ भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी कंपनी का, खासकर जो बच्चे लोगों का प्रोडक्ट होता है। आज हमारी फैक्ट्री में काफ़ी सारा सामान पैक करके बैठा हुआ है लेकिन हम लोग डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं।
और ये मार्केट में जब जाएगा तब मेरे को पता है कि रिटर्न आएगा ही आएगा। ये लॉस का बोझ कौन उठाएगा बताइए, क्योंकि ये 35 बंदे हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका घर चलाने का जिम्मेदारी हमारी है। और सरकार बोल रहे हैं कि सभी स्टाफ को सैलरी दीजिए, अगर इनकम ही नहीं होगा, अगर माल ही नहीं ले बेच पाएंगे मार्केट में, तो फिर कैसे कैसे हम सैलरी दे सकते हैं? क्योंकि ये छोटे मोटे जो कंपनीज जो हैं, इनके चलते हुए भी बहुत सारे परिवार चलते हैं, इसके चलते हुए भी कंपनी गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं। तो ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है मोदी जी आपसे, ममता दीदी आपसे, और सभी बंधुओं से, कि अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो बोलिए कि हाँ मेरा बात गलत है। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, आगे जब कोरोना ख़त्म हो जाए, चाहे 1 महीना हो, चाहे 2 महीना हो, चाहे 3 महीना हो, सर्वे कर सकते हैं, लेकिन आगे में जाके जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो बढ़ाने के लिए, या तो रॉ मटेरियल्स बाज़ार से ख़रीदने के लिए, हमारे माफिक जो बहुत सारी कंपनी मार्केटिंग डायरेक्टर हैं जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, कंपनी का अच्छा खराब, कंपनी का एम मालिक को देखना, एम्प्लॉयज़ को देखना, प्रोडक्शन को देखना, क्वालिटी को देखना, तो निवेदन ये है कि आप लोग कम से कम इस बारे में सोचें कि 1 साल के लिए कम से कम लोन दिया जाए, कि हम लोग मार्केट से फिर से जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा मार्केट से रॉ मटेरियल्स खरीदें, खरीद के फिर से नए से धंधे चालू करें, बिजनेस चालू करें, कंपनी जीएसटी के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स दें, और गवर्नमेंट भी फिर पहले के माफिक एकदम अपने पैर के ऊपर इंडिया खड़ा हो जाए। इतना मेरा सलाह है। अगर कहीं पर आपको लगे कि मैं सही बोला हूँ, अपने सेल्स बहुत सारे सेल्स बंदे ऐसे भी हैं कि जिसके ऊपर कोई भी ना न्यूज़ में दिखाया जाता है ना कुछ बोला जाता है। आज मैं ये मन से बोल रहा हूँ इसीलिए कि इन लोगों के चलते हुए दुकान में माल आता है, प्रोडक्ट आता है, इन लोगों के चलते हुए नया कंपनी खड़ा होता है, चाहे जितना भी छोटा कंपनी बड़ा कंपनी हो, कभी ना कभी एक टाइम में छोटा कंपनी था ही था। तो आप हमारे माफिक जितना भी कंपनीज़ हैं, इस तरह के छोटे मोटे जो भी कंपनीज़ हैं, उनको बड़ा होने के लिए सहायता करें, बस यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद आप सबको, ये सब नया बंगाली ईयर का शुभकामनाएं, धन्यवाद।